ट्रांसपोज मीन्स यू हैव टू इंटरचेंज योर रो एज कॉलम. ओके, आपका ए आई जे चेंज हो जाएगा ए जे आई. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रहा है. ठीक तो ये है. हाँ सर, अब आ रही है. सबके साथ यही हो रहा है? नहीं सर, आ रही है आवाज. ट्रांसपोज मतलब ए आई जे चेंज टू ए जे आई. फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज डिनोटेड बाय ट्रांसपोज ऑफ ए. Transpose of A denoted by A raised to T or A dash. ऐसे डिनोट किया जाता है. ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल A द मैट्रिक्स 2, 3, -1, 4, 7, 9. तो A ट्रांसपोज क्या होगा? जस्ट इंटरचेंज रो एज कॉलम. जस्ट इंटरचेंज रो एज कॉलम. तो दिस इज द मैट्रिक्स 2 by 3. तो ये जो मैट्रिक्स होगा 3 by 2 का होगा. 2, 3, -1, 4, 7, 9. करस्पॉन्डिंग रो चेंज एज करस्पॉन्डिंग कॉलम. दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. बताओ ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज क्या होगा? सर ए हो जाएगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट अलजेब्रा. First you all in the addition. If A and B both having same order, दोनों का order same होना चाहिए, then A plus B or A minus B exist. Okay. Let matrix A with of order M by N in the form of Aij. And B matrix in the form of Bij of order M by N. Then how to find out A plus B? A plus B क्या हो जाएगा? You can add one matrix with another matrix. क्या करोगे? दोनों का order same होना चाहिए. Corresponding element के साथ add होगा. Okay. तो ए प्लस बी आपको मिलेगा ए आई जे प्लस बी आई जे. इसका ऑर्डर भी वही होगा. फॉर एन एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स इज द 2, -1, 4, 7, 11, 0.
मैट्रिक्स बी द 3 3 माइनस 8 9 16 1. Now you can find out A plus B. What is A plus B? Corresponding element, corresponding element के साथ add होगा. तो ये हो जाएगा 5. ये होगा 2 minus 4 16 27 1. This is the A plus B. What is your A minus B? A minus B क्या होगा? 2 minus 3 अच्छा minus 1 minus 1 minus 3 minus 4 4 minus of minus 8 12 7 minus 9 minus 2 11 minus 16 minus 5 0 minus of minus 1. This is A minus B. बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं हुआ था. डिटर्मिनेंट में कैसे ऐड हुआ था? हाउ टू ऐड वन डिटर्मिनेंट विथ अनदर डिटर्मिनेंट, कैसे किए थे? डिटर्मिनेंट में हम एक डिटर्मिनेंट के साथ दूसरा डिटर्मिनेंट कैसे ऐड किए? उसमें सारे रोज सेम होने चाहिए थे और सिर्फ एक ऊपर का ऐड होता था. सारे मतलब एक रो और कलम को छोड़ के बाकी सब सेम होना चाहिए, ऐसा ना? हाँ सर. मतलब दोनों डिटरमिनेंट में, सपोज आपका दोनों डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो दोनों का डिफरेंट, बट हाँ सर, सेकंड एंड थर्ड दोनों के लिए सेम होना चाहिए, देन ओनली कैन ऐड. इसमें ऐसा कुछ नहीं, कोई भी मैट्रिक्स कोई भी दूसरे मैट्रिक्स से ऐड कर सकते हो. पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, देन ओनली कैन ऐड. Here corresponding element के साथ add होगा, ठीक है? तो minus b का मतलब क्या होगा? यहाँ पे minus b का मतलब क्या होगा? Sir minus 3 हो जाएगा, मतलब minus. Which and every element में negative? हाँ sir. Multiply होगा, ठीक है? रख करो. Done. Yes, sir. और एक होता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन. सपोज लेट ए द मैट्रिक्स ए आई जे विथ ऑर्डर एम बाय एन. व्हाट इज मीनिंग ऑफ के ए? पर के द स्केलर क्या होगा सर? हर एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो के का मतलब होगा के ए आई जे विथ ऑर्डर एम बाय एन, वेयर के बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर. तो इफ ए इज द दिस वन देन 3a, 3a का मतलब क्या होगा? 6 minus 3 12 21 33
कोई भी कॉन्स्टेंट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, दैट कॉन्स्टेंट विल बी मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स. Next, matrices multiplication. How can you multiply one matrix with another matrix? Okay. Let A is the matrix of order m by n. B order, let us take L into k, ठीक है. तो मैट्रिक्स एवरी मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट ओनली व्हेन n इक्वल टू l. मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकेंड फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, सॉरी सेकेंड मैट्रिक्स. फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स, सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज दोनों से बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, देन ओनली कैन मल्टीप्लाई. इसका मतलब लेट ए द मैट्रिक्स विथ ऑर्डर m बाय n, बी द मैट्रिक्स विथ ऑर्डर n बाय p, देन ए बी एग्जिस्ट, देन आपका ए बी जो एग्जिस्ट करेगा उसका ऑर्डर होगा एन बाई पी. इसका एन वाला एलिमिनेट हो जाएगा, एम बाई पी होगा. देखो कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है. डिटरमिनेंट में हम मल्टीप्लाई भी किए थे, कैसे किए थे सर? हर एलिमेंट का हर रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे थे. देयर आर फोर डिफरेंट वेज यू कैन मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट विद डिटरमिनेंट. एक था रो रो वाइज, रो कॉलम वाइज, कॉलम रो वाइज, कॉलम कॉलम वाइज, फोर डिफरेंट वेज में. इसमें सिर्फ रो कॉलम वाइज और कुछ मेथड नहीं होता. फॉर एन एग्जांपल ए इज द मैट्रिक्स, लेट अस टेक 4 माइनस 1 3, 7, 8, 9. This is the order 2 by 3. Second matrix ले रहा हूं तो इसका 3 rows होना चाहिए, columns कितना भी होगा. Okay, 3 columns, 3 rows होना चाहिए. Let us take 2, 2, 7. So 11, 12. 3 माइनस 1 माइनस 2 1. और भी एक लेते 0 5. इसका ऑर्डर क्या रहा? 3 by 4. इसका मल्टीप्लीकेशन देखो कैसे आ रहा है. तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा इसका ऑर्डर क्या रहेगा? So 4 into 2 plus 1, minus 1 into 2 plus 3 into 9. ये 1-1 element होगा, ठीक है ना? 2 into 4, 8, minus 2, 6, plus 27, 33. ठीक है? फिर 1-2. 1-2 कितना होगा? 44, minus 12. 32 plus 9, 41. Then 1-3. Minus 4 plus 2. Minus 2 plus 3. 1. Then 0, 1-4. 0, minus 5, 12.
7 देन 2 1 टू वन कितना 14 16 30 प्लस 81 1 1 1 देन 77 96 कितना हुआ 96 77 173 प्लस 27 200 then minus 7 minus 16 minus 23 plus 9 14 sorry minus 14 then 0 40 36 76 और इसका ऑर्डर क्या रहा 2/4 देखो 2/3 3/4 ऑर्डर होगा 2/4 डिटरमिनेंट में आपका 4 डिफरेंट वेज आप मल्टीप्लाई कर रहे थे रो कलम 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 रो रो एंड रो 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 कलम कलम रो कलम कलम इसमें सिर्फ रो के साथ कलम और कुछ नहीं होता समझाइए मल्टीप्लिकेशन यस सर यस सर मेरा को ये बता तो कॉलम कॉलम भी कर सकते थे क्या सर ये अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता था तो उस कॉलम भी कर सकते थे क्या कौन हां स्क्वायर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज द सुपरसेट स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर इज द सबसेट ऑफ रेक्टेंगल तो जब रेक्टेंगल में हो रहे तो स्क्वायर में होगा ही होगा बट जो स्क्वायर में होते हैं वो रेक्टेंगल में होगा ऐसा जरूरी नहीं आप सेट वाइज देखोगे स्क्वायर होता है बड़ा सेट स्क्वायर के अंदर सॉरी रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर आता है तो रेक्टेंगल इज द सुपर सेट जब रेक्टेंगल में होगा स्क्वायर में होगा बट स्क्वायर में जब होता है रेक्टेंगल में जरूर नहीं ओके सर जो जो चीज रियल नंबर्स में होता है वो नेचुरल नंबर में होगा ही होगा इंटीजर में होगा ही होगा बट जो चीज नेचुरल नंबर में होता है जरूर नहीं कि वो इंटीजर में होगा इट इज लाइक दैट some properties a plus b is equal to b plus a right or wrong a plus b is equal to b plus a right right that means it is commutative matrices addition is your commutative whether it is associative a plus b plus c is equal to a plus b plus c a plus b plus c is it right or wrong sir right so it is associative
ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज व्हाट? सर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, प्लस के लिए प्लस माइनस के लिए माइनस। के इंटू ए ट्रांसपोज, के इज द स्केलर। सर के इंटू ए ट्रांसपोज इज के इंटू ए ट्रांसपोज, वेयर के बिलोंग्स टू रियल नंबर। Is AB equal to BA? Is AB equal to BA? No, sir. No, sir. No. So AB is not equal to BA always. कोई केस में आ सकता है, कोई केस में आ सकता है, but it is not always मतलब statement wrong. That means matrices multiplication is not commutative. ये कम्यूटेटिव नहीं है। इज ए इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी? नो सर। नो, इट्स यस, इट्स ट्रू। इसमें मैं ऑर्डर, इसमें देखो ऑर्डर मैंने चेंज किया था। जब ऑर्डर चेंज करोगे कोई गारंटी नहीं कि आप मल्टीप्लाई कर पाओगे। सर ठीक है। इसमें मैंने कोई ऑर्डर चेंज नहीं किया था, सिर्फ ब्रैकेट चेंज किया था। देखो सपोज ए द मैट्रिक्स ऑफ 2 बाय 3, बी द मैट्रिक्स ऑफ 3 बाय 4, सी द मैट्रिक्स ऑफ 4 बाय 8, ठीक है ना? तो ए बी मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट? यस सर। तो ए बी का क्या होगा ऑर्डर? 2 into 4. 4. इसके साथ C मल्टीप्लाई करो, 4 by 8 एग्जिस्ट कर रहा है? Yes, sir. Can I multiply this two or not? हाँ सर। मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यू विल गेट ABC ऑफ ऑर्डर 2 by 8. अच्छा अब A के साथ BC मल्टीप्लाई करो, BC का क्या आएगा? 3 by 8. 3 by 8. ए का क्या है? 2 बाय 3। अब ये दो भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना? हाँ सर। यस सर। तो ये भी वही देगा। तो जहां पे आपका ऑर्डर चेंज होता है, जैसे ये दोनों का प्रोडक्ट एग्जिस्ट हो रहा है, बी ए देखो एग्जिस्ट नहीं होगा। व्हाट इज द बी ए? 3 बाय 4 ए 2 बाय 3, ये तो बिल्कुल मल्टीप्लाई हो नहीं पाएगा। यस सर। प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो जब तक आप ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है, मैंने इसमें सिर्फ ब्रैकेट चेंज किया, ऑर्डर चेंज नहीं किया, तो ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, दैट मींस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज द एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव। ये एसोसिएटिव होता है। एपी का ट्रांसपोज क्या होगा सर? एपी ट्रांसपोज इज व्हाट? सर कुछ नहीं होगा मतलब। B is the order 3 by 4. Exist कर रहा है B? कितना होगा? 2 by 4. आप सबको सुनाई दे रहा है? Unstable दिखाई दे रहा है? सर बीच में चला गया था। बीच में चला गया था।
If A having order 2 by 3, B का order 3 by 4, तो AB का order क्या होगा? 2 by 4 होगा? हाँ सर. A transpose का order क्या है? 3 by 2. B transpose order क्या है? 4 by 3. तो A transpose B transpose multiply हो सकता है क्या? नहीं सर. चेक करो, B transpose के साथ A transpose होगा? हाँ सर. हाँ सर. तो B transpose A transpose क्या आ रहा है? कौन सा order दे रहा है? सर 4 by 2. 4 by 2. इसका transpose का order देखो क्या है? AB transpose का order क्या है? 2 by 4. 2 by 4. No, AB transpose का. अच्छा 4 by 2. लिया? हाँ सर. तो AB transpose होता है B transpose A transpose, not A transpose B transpose. Similarly, ABC transpose क्या होगा? The C transpose, C transpose into B transpose into A transpose. Yes. वो पीछे से आता है. C transpose, B transpose, A transpose. Right. Done? Yes, yes sir. Suppose AB is the norm matrix. Let us take A into B the null matrix. Implies in the A is the null matrix or B is the null matrix. Is it yes or no? If A B is the null matrix, that implies either A null matrix होगा नहीं तो B null matrix होगा. Yes sir. हाँ sir. नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं. मतलब मैं डिस्क्रूव कर रहा हूँ, मतलब एक एग्जांपल काफी है. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. प्रूफ के लिए आप एग्जांपल दे नहीं पाओगे, डिस्प्रूव के लिए यू कैन गिव एन एग्जांपल. Let us take matrix A the is A null matrix? No sir. B? No sir. AB multiply karo. If you find out AB matrix, kya milega?
जीरो 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 ओबी जीरो ओबी जीरो 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 तो ए बी नॉर मैट्रिक्स मिला हाँ सर नाइदर ए नॉर बी नॉर मैट्रिक्स ओके बट one thing confirm here if a or b is the square matrix in case of square matrix is square matrix case mein hota hai then iska determinant zero hoga kisi ka determinant to zero hoga hi hoga theek hai so ye bhi note karo if a b is the null matrix but Neither A nor B is not null matrix. Then at least one of determinant that is det of A or इसको भी डिटरमिनेंट मानते हैं डेट ऑफ ए इट इज नॉट मॉडुलस जीरो और डेट ऑफ बी इक्वल टू जीरो दिस इज द डिटरमिनेंट Done? Yes, sir. If AB equal to SC and If AB equal to SC होता है तो क्या होता है रियल नंबर में if AB equal to SC then क्या होता है B is equal to C B is equal to C ऐसे if AB equal to SC then B equal to C हाँ एक को ऐसे अच्छा थ्री इंटू जीरो कितना होता है जीरो एट इंटू जीरो कितना होता है जीरो बोथ आर इक्वल हाँ सर अब कटो जीरो सर वो कटने तो आप इधर क्यों कट दिए ए को जब उधर नहीं काट पा रहे हो इधर क्यों काट दिए आपको पता है एक क्या है नहीं सर तो फिर कैसे काट दिया तो फिर क्या होना चाहिए ऐसा नहीं काटते जब तक आपको ए पता नहीं है इफ यू डोंट नो अबाउट ए देन डोंट कैंसिल इफ यू नो ए का वैल्यू वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव देन यू कैन कैंसिल ओके तो इसमें ए बी माइनस एस सी इक्वल टू जीरो किया जाता है सो दैट ए कमन बी माइनस सी इक्वल टू जीरो आपका जो सोल्यूशन आया था वो भी आ रहा है इसके साथ और एक सोल्यूशन आ रहा है इम्प्लाइज इधर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू सी
तो आप बताए थे सिर्फ बी इक्वल टू सी, इसको नहीं बताए थे। जब ये नॉन जीरो होगा तो ये मस्ट, बट ये जीरो आने का चांसेस भी होता है, इसलिए इसको कैंसिल नहीं किया जाता है। तो इफ ए बी इक्वल टू ए सी, दैट इंप्लाइज इधर मैट्रिक्स ए इज द नॉन मैट्रिक्स और मैट्रिक्स बी इक्वल टू सी, ये सब नो, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। सर नॉट नेसेसरी, ओके मान लेता हूँ। पर तो एक एग्जांपल दो जिसके लिए ये दोनों इक्वल होना चाहिए होगा, बट ये दोनों से कोई नहीं होना चाहिए। सर एक सेकेंड, सर जो लास्ट एग्जांपल किया था वैसे ही कर सकते हम लोग। हाँ करो, बट और एक मैट्रिक्स है उधर, तो हम सिर्फ एफ बी इक्वल टू नल ले रहे थे। हाँ तो सर उसमें हम लोग ए मैट्रिक्स को ले लेंगे जो हमने लास्ट टाइम लिया था, और बी मैट्रिक्स के हम लोग एलिमेंट चेंज कर सकते हैं लास्ट रो में। ओके ठीक, तो 2107 माइनस 30410 बी मैट्रिक्स ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 18 91 43। सी मैट्रिक्स ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 माइनस 31 40 59। चेक करो, अब ए बी जब निकालोगे इसके साथ ये व्हाट इज ए बी, आपको 2 प्लस 4 6 देन 4 प्लस 5 9 देन 6 प्लस 6 12 देन 7 माइनस 12 माइनस 5 14 माइनस 15 माइनस 1 देन 21 माइनस 18 3 देन 4 प्लस 4 8 क्योंकि हम इसके साथ किसी को जो भी ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी तो नहीं सर। तो ए बी इक्वल टू सी, नाइदर बी इक्वल टू सी नॉट ए द नॉर मैट्रिक्स, बट वन थिंग इज देयर, ऐसा नहीं होगा। सपोज ये दैट डज नॉट मीन्स आइदर ए द नॉर्मल मैट्रिक्स और बी इक्वल टू सी, सपोज ऐसा आ रहा है तो फिर क्या बन सकता है, ऐसा केस आ जाएगा तो फिर क्या बनेगा। सर अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम लोग बोल सकते हैं डेट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डेट ऑफ ए सी, तो डिटरमिनेंट तो सेम होगा इसमें, कोई ये नहीं। बट ऐसा केस होगा तो
इसका डिटरमिनेंट चेक करो, जीरो होगा ही होगा। ये क्या हो रहा है, इस जरूरी नहीं कि ये नॉर्म मैट्रिक्स होगा, बट इसका डिटरमिनेंट जीरो होगा। बट फॉर दिस केस आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए वो जीरो होगा, ये मस्ट प्रोवाइडेड ए केसेस आना चाहिए। सपोज ए बी इक्वल टू ए सी और आपको ये केस आ चुका है, मतलब b इक्वल टू c हो चुका है, तो जरूर नहीं कि ये उधर नॉर्म मैट्रिक्स होगा। बट b इक्वल टू c नहीं आ रहा है, a भी नॉर्म मैट्रिक्स नहीं हो रहा है, तो ये मस्ट। ये मैंने क्या लिखा, डज नॉट इंपेयर। सपोज हो गया तो मुझे ये कंडीशन नहीं आएगा। सपोज a b इक्वल टू ac एंड b इक्वल टू c यू आर गेटिंग, तो ये कंडीशन नहीं आएगा। ओके सर, b इक्वल टू c नहीं हो रहा है, ए भी नॉन मैट्रिक्स नहीं हो रहा है, दे ऑन दैट केस ए डिटरमिनेंट जीरो होगा, ये जीरो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे भी हम कैंसल नहीं कर पाएंगे। ड्रॉप करो सर, एक सेकेंड। हाँ सर, हो गया। ये कौन सा पॉइंट था, 9, 8? सो 9। A इंटू आई क्या होगा, आई मीन्स यूनिट मैट्रिक्स। A इंटू आई क्या होगा, हमेशा A आएगा। A है, जैसे कि 2479 इसमें 1001 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वही देगा 2 4 7, वही दे रहा है। ठीक है, ए इंटू आई इक्वल टू ए मैट्रिक्स सेम एज आई इंटू ए, मतलब ए केस में कम्यूटेटिव भी हो रहा है। के इंटू ए बी इज इट A into KB, no sir। K the scalar, मैं small letter लिखूंगा तो scalar, capital लिखूंगा तो matrix। Suppose इसमें आप 3 इधर multiply करो कि इधर multiply करो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? इसके लेफ्ट में 3 मल्टीप्लाई करो कि राइट में 3 मल्टीप्लाई करो? सर नहीं, फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं सर, नहीं पड़ रहा है। तो कांस्टेंट पार्ट को यू कैन टेक एनीवेयर। मैट्रिक्स वाला मैंने ऑर्डर चेंज नहीं किया, ए के बाद बी आ रहा है, ये भी ए के बाद बी आ रहा है, कांस्टेंट कहीं पे जा सकता है। मतलब के इंटू ए बी ऑल्सो यू कैन राइट, ए इंटू के बी ऑल्सो यू कैन राइट, के इंटू बी ऑल्सो यू कैन राइट, ए बी इंटू के, नथिंग डिफरेंस। मतलब के यू कैन टेक एनीवेयर, बट इस मैट्रिसेस का ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, वो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। समझाइए। यस सर। A to the power n transpose,
दैट यू कैन राइट ए ट्रांसपोज टू दी पर एन, ये दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हो. Although हम इनवर्स नहीं पढ़े, ठीक है, ट्रांसपोज में रख रहे हैं. So, ये सब आपका प्रॉपर्टीज ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन. और एक याद रखो, देयर इज नो डिविजन इन बिटवीन टू मैट्रिसेस. मल्टीप्लिकेशन इज देयर विद सर्टन कंडीशन. ओके, नो डिविजन इन बिटवीन टू मैट्रिसेस. मतलब ए मैट्रिक्स अपॉन बी मैट्रिक्स, दिस वन डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा नहीं होता है. नेक्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये क्या होता है? इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज मीन्स A I J is equal to A J I. Then matrix A is called symmetric matrix. A B A square matrix such that A is equal to A transpose means आपका ए आई जे एलिमेंट ए जे आई एलिमेंट होना चाहिए, देन द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स. फॉर एन एग्जांपल, लेट अस टेक मैट्रिक्स ए इन द 4 minus 4, 8, 3, 17, 0, 92, 48. This is the matrix A. Sorry. So what is the transpose? A transpose. First row, first column हो जाएगा, मतलब 4 minus 4, 8. Second row, second column हो जाता है, minus 4, 17, 0. Third row, third column हो जाता है, 8, 0, 53. Check करो, दोनों में कोई difference है क्या? नहीं, A transpose equal to A. So this type of matrix matrices are called. इसमें क्या होता है? From main diagonal, equidistant elements are equal in sign. Equal in sign and magnitude. दोनों में equal. From main diagonal, equidistant elements are equal. Square matrix जरूरी है. Otherwise, you will not get diagonal. Square matrix is zero.
डन यस मैम नेक्स्ट होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए हियर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए और ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज देन द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए आई जे इक्वल टू क्या होना चाहिए माइनस ऑफ ए जे आई ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई देन द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो इसमें क्या होना चाहिए फॉर दिस केस ए आई आई क्या होगा माइनस ऑफ ए आई कंडीशन के हिसाब से इंप्लाइज व्हाट ए आई आई बिकेम जीरो ए आई आई क्या बोलते हैं ए आई आई को क्या बोलते हैं ए आई आई एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स तो कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स सब जीरो हो जाता है ठीक है और इससे इक्विडिस्टेंस एलिमेंट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा बट साइन अपोजिट होगा मतलब 0 माइनस 18 13 तो ये 18 होगा 0 73 तो ये होगा माइनस 13 माइनस 73 चेक करो इसका ए ट्रांसपोज क्या होगा ए ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 0 माइनस 18 13 सेकंड रो सेकंड कॉलम होगा 18 0 73 थर्ड थर्ड कॉलम होगा माइनस 13 माइनस 73 चेक करो ए ट्रांसपोज ए का नेगेटिव हो रहा है जहां पे ये प्लस साइन ये नेगेटिव माइनस साइन आ रहा है माइनस की जगह प्लस आ रहा है देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका ये मेन डायगोनल इक्विडिस्टेंस एलिमेंट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा बट साइन चेंज होगा ठीक है What is the difference between let A the square matrix of order n? What is the difference between K A determinant? K A determinant को मैं क्या लिख सकता हूँ? If A be a square matrix of order n. K is the scalar, then K determinant को मैं क्या लिखूंगा determinant के K times A determinant is it Is that right? हम एक स्केलर एक डिटर्मिनेंट के साथ एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है मतलब सारे एलिमेंट्स उसके सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है ठीक है और जब एक डिटरमिनेंट से डिटरमिनेंट में एक मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या होता है
कोई उसमें किसी एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लिकेशन होता है। अच्छा, तो इसका मतलब आप जब कॉमन रखोगे उसका रिवर्स ही होगा ना, कोई एक रो नहीं तो एक कॉलम से कॉमन आएगा। हाँ सर, ऐसा इक्वल नहीं होगा सर। हाँ, तो कितने बार कॉमन आएगा के? सर सिर्फ एक ही बार आएगा। एक सर तीन बार आएगा, मतलब के क्यूब हो जाएगा। हाँ, तीन बार नहीं, मतलब इधर n, n मैंने रखा, ऑर्डर n रखा, तो k रेस टू n हो जाएगा। यस, तो n टाइम्स आपका k बाहर निकलेगा, क्योंकि एक एक रो से एक एक k कॉमन आ जाएगा। हाउ मेनी रोज आर देयर? n रोज, तो n टाइम्स k बाहर आएगा, समझा ना? यस सर, यस सर। तो k, इफ a बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो पहले कर दो, फिर ये नोट करो, ये if a b a square matrix of order n, then determinant of k a is equal to k raised to n determinant of a. if a b a square matrix of order n, then determinant of k a, you can write k raised to n determinant of a. ये ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट कितना होता है? ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होता है? सर माइनस ए डिटरमिनेंट हो जाएगा ना। क्यों? ट्रांसपोज का मतलब क्या है? सर रोस कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं, रो को कॉलम इंटरचेंज करती है। यू नो डिटरमिनेंट यू कैन इवैल्यूएट रो वाइज और कॉलम वाइज। अच्छा हाँ, सेम रहेगा सर। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर, एक एक डिटरमिनेंट में रो वाइज निकाल दिया, सेकंड डिटरमिनेंट उसका ट्रांसपोज डिटरमिनेंट को कॉलम वाइज निकाल दिया, तो दैट रिमेन सेम। तो ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ऑलवेज ए डिटरमिनेंट, ठीक है? ये भी नोट कर दो, ये मतलब वन या फिर टू। नाउ मुझे बताओ, इफ ए बी द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स of odd order, then a determinant kya hoga? If a be the skew symmetric matrix of odd order, then determinant of a ka value kya hoga? सर माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। फिर आगे फिर क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का डेफिनेशन क्या है? क्या मिला मुझे? सर डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे। वो तो ठीक है, मतलब डेफिनेशन क्या था? ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, माइनस ए, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए,
तो इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू इसका डिटरमिनेंट यस सर ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट कितना ए डिटरमिनेंट माइनस ए का डिटरमिनेंट कितना होता है सर माइनस ए हो जाएगा बिकॉज ऑड हाँ दिस इज माइनस वन टू दी पर एन इनटू ए डिटरमिनेंट होगा क्योंकि के डिटरमिनेंट क्या मिला मुझे के रेस टू एन इनटू ए डिटरमिनेंट यस सर हाँ सर बट ये दिया गया ऑड एन क्या दिया गया ऑर्डर आज विच इज माइनस ऑफ ए डिटरमिनेंट आज एन इज एन ऑड तो ए डिटरमिनेंट इक्वल टू माइनस ए डिटरमिनेंट इंप्लाइज व्हाट सर जीरो नल मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं ये डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट जीरो है वैल्यू होगा जीरो नल मैट्रिक्स नहीं ठीक है तो इफ ए बी द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर देन इसका डिटरमिनेंट हमेशा जीरो होगा 2 बाई 2 में जरूरी नहीं जीरो होगा हो सकता है नहीं हो सकता है बट 3 बाई 3 रखोगे जीरो होगा ही होगा 10 बाई 10 स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स रखोगे जरूरी नहीं कि उसका आंसर क्या होगा वो डिपेंड इंडिपेंडेंट होता है बट 11 ऑर्डर 11 रखोगे उसका आंसर जीरो होगा ही होगा जैसे 0 4 माइनस 4 0 दिस इज स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स इसका डिटरमिनेंट रखो डिटरमिनेंट आपको 16 आ रहा है ठीक है तो ये जीरो नहीं होगा बट 3/3 रखो वो जीरो देगा ही देगा कोई भी जैसे इसका प्रीवियस केस लिए थे उसका डिटरमिनेंट चेक करो क्या लिए थे जो भी रखो 0 2 माइनस 1 माइनस 2 0 3 ये हो जाएगा 1 0 नहीं 1 माइनस 3 0 This is Q symmetric matrix. इसका डिटरमिनेंट चेक करो फर्स्ट वन जीरो हो गया सेकेंड वन माइनस टू इंटू जीरो माइनस थ्री फिर माइनस वन इंटू सिक्स मिला जीरो yes, sir. ये भी प्रूफ करना नहीं मतलब ये सब चेक करना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो थ्योरेटिकली प्रूफ हो गया मतलब ऑलवेज ट्रू तो ये याद रखो ऑड ऑर्डर होना चाहिए इवन के लिए मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा क्योंकि इवन होगा तो क्या होगा माइनस वन टू द पावर इवन तो ए डिटरमिनेंट इक्वल टू ए डिटरमिनेंट व्हिच इज ऑलवेज ट्रू तो उसमें हम कुछ कंक्लूजन नहीं मिलता डन Yes, sir. ये बताया था ना AB determinant equal to A determinant B determinant ये नहीं बताया था AB note कर दो AB determinant you can write A determinant into B determinant तो symmetric and skew symmetric हो गया Every determinant, sorry, every matrix, a square matrix, becomes expressed as sum of unique symmetric and skew symmetric matrices. Every square matrix we can express as sum of unique symmetric and skew symmetric matrices. ये प्रूव कर लो
कोई भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाएगा, दैट स्क्वायर मैट्रिक्स यू कैन राइट और यू कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, वन इज द सिमेट्रिक एंड अनदर इज द स्क्यू सिमेट्रिक, वो दोनों का सम होगा।
कि नहीं? किसको मिला? नहीं मिला? नहीं सर। सपोज मैट्रिक्स ए गिवन, कैन आई राइट ए एज ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय टू? लिख पाएंगे? ए ट्रांसपोज कैंसिल हो गया, ए ए टू ए टू ए बाय टू बराबर, ए टू को मैंने ऐसे डिवाइड कर देता हूं, इधर एक ये एक। नाउ कंसीडर दिस दिस मैट्रिक्स एज पी मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स एज क्यू मैट्रिक्स। What is P transpose? P transpose क्या होगा? A plus A transpose by 2 का whole transpose। मुझे पता है A plus B का whole transpose कितना होता है? A transpose plus B transpose। तो ये हो जाएगा A transpose plus A transpose का transpose। कितना? A। A transpose transpose that is A, और 2 का transpose नहीं होता है, तो इधर scalar, scalar का transpose नहीं होता है। Okay, हम लिखे थे ना K into A transpose equal to K into A transpose। तो ये कौन सा फिर matrix दे दिया? तो same ही है। Same as P। तो P transpose equal to P means P कौन सा matrix होगा? Symmetric matrix. So now find out Q transpose, which is A minus A transpose by 2 whole transpose. That is A transpose minus A by 2. A transpose minus A by 2 is what? Minus Q. As A, Q transpose equal to minus Q. So Q ko kya bolenge? Plus Q is symmetric. Symmetric. Now every square matrix you can write or you can express a sum of two matrices. One is the symmetric, another is called skew symmetric. But मैंने एक word लगाया था unique. Why it is called unique? क्योंकि ये जो matrix मैंने सिर्फ A को use करके निकाला, A और A transpose को, तो unique होगा ही होगा. मैंने और दूसरा कुछ use नहीं किया था, तो A के हिसाब से वो unique. ठीक है? Yes sir. Every square matrix you can express as sum of two matrices, one is the symmetric, another one is the skew symmetric. कोई भी square matrix. Right?
ड्रॉप करो। नेक्स्ट इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? इफ ए बी इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A into A transpose is equal to I equal to A transpose into A, then matrix A is called orthogonal matrix. If A into A transpose is equal to I, then the matrix A is called orthogonal matrix. This is your definition. तो इसमें हमें कुछ पर्टिकुलर मिलेगा क्या? इसमें कुछ हमें पर्टिकुलर मिलेगा क्या? मैं इतना बता पाऊंगा कि इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा? सो वन ऑन होगा? हाँ सर। नहीं सर, जीरो होगा। क्यों सर? बिकॉज सर एक सेकंड देख लो। हाँ सर, वन होगा। वन होगा? हाँ सर। और किसी को कुछ मिला तो बताओ। इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ दिस, यू नो ए इनटू ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट, यू कैन राइट ए डिटरमिनेंट इनटू ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है? वन होता है। वन। एंड यू नो ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम एज ए डिटरमिनेंट, तो ए डिटरमिनेंट स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ए डिटरमिनेंट क्या होगा? माइनस वन नहीं होगा? माइनस वन भी हो सकता है सर। हाँ, तो फिर वन क्यों बोल रहे हो? तो देन डिटरमिनेंट ऑफ ए आइदर वन और माइनस वन। ओके, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। जिसका डिटरमिनेंट वन होगा दैट डज नॉट मीन्स वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। बट if determinant of a equal to 1 or minus 1, that does not imply a is an orthogonal matrix. Reverse जरूर नहीं कि true होगा, क्योंकि reverse के लिए ये आपका condition इधर this one, ये होना चाहिए। तो जिसका determinant 1, तो जरूर नहीं कि a into a transpose आए होगा। जैसे मैं 4, 7, 1, 2, इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है? 1 दे रहा है,
बट ये मैट्रिक्स 4, 7, 1, 2 और इसका ट्रांसपोज 4, 1, 7, 2 इसको मल्टीप्लाई करोगे विल यू गेट आई नहीं मिलेगा ना 16 + 49 ये तो फर्स्ट आंसर हो गया तो ये ऑर्थोगोनल देन डिटरमिनेंट 1 होगा नहीं तो माइनस 1 होगा बट डिटरमिनेंट 1 और माइनस 1 दैट डज नॉट मीन ऑर्थोगोनल ठीक है यूनिट मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगा यूनिट मैट्रिक्स इज यूनिट मैट्रिक्स एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यस सर यस तो यूनिट मैट्रिक्स इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है यूनिट इनटू यूनिट ट्रांसपोज तो वो यूनिट मैट्रिक्स आएगा आई इनटू आई इक्वल टू आई होता है इफ ए एंड बी बोथ आर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस देन ए बी बी ए ट्रांसपोज ए इनवर्स ऑल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए एंड बी बोथ आर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ए बी भी ऑर्थोगोनल होगा बी ए भी होगा ए ट्रांसपोज भी होगा ए इनवर्स भी होगा ये सब ऑर्थोगोनल अभी तक इनवर्स हम पढ़े नहीं तो ये पार्ट को छोड़ दो बाकी ये दोनों से कोई एक प्रूफ करो प्रूफ दिस वन एंड दिस वन मेरे पास ए बी ऑर्थोगोनल दिया गया तो हाउ ए बी बिकेम ऑर्थोगोनल ए ट्रांसपोज बी कैसे ऑर्थोगोनल हुआ प्रूफ इट हाँ सर हो गया मिला हाँ सर
सर वो लास्ट में आपने क्या लिखा है ए ट्रांसपोज कॉमा उसके बाद क्या है इनवर्स ए इनवर्स लेकिन हमें अभी तक पढ़े नहीं इससे मैंने उसको प्रूव करने के लिए नहीं बोला बाकी सबको मिला हाँ सर ठीक है A and B both are orthogonal matrices. So A into A transpose equal to I होगा, equal to A transpose into A. This one given. B into B transpose equal to I equal to B transpose into B. This one also given. मुझे prove करना है कि AB orthogonal. How to prove AB orthogonal? Just check AB into AB transpose. क्या हो रहा है? If we prove AB into AB transpose equal to I. Then orthogonal हो जाएगा। This one you can write AB, AB transpose you can write B transpose A transpose, but मैं bracket कहीं पे भी रख सकता हूँ without changing order, तो you can write AB B transpose A transpose, B B transpose में मैं bracket use करता हूँ। Because of this, तो ये identity matrix होगा A into I into A transpose. A into I, A होता है, A into A transpose, A into A transpose itself, तो मिल गया, तो AB into AB transpose equal to I, similarly AB transpose into AB also you get I, that's why AB orthogonal, like B orthogonal, for this case A transpose, you need to check A transpose into A transpose ka transpose. Which is A transpose into A, that also I. Next, idempotent matrix. Idempotent matrix. If A square equal to A, square matrix होना चाहिए. If A square equal to A. Then the matrix A is called idempotent matrix. Okay. So, इसमें determinant क्या होने का chances है? If A is an idempotent matrix, then determinant of A क्या हो सकता है? बताओ वन या जीरो यस हाँ सर वन तो देन डिटरमिनेंट ऑफ ए आइदर वन होगा और जीरो हो सकता है बट वाइस वर्सा नॉट ट्रू जिसका डिटरमिनेंट वन होगा और जीरो होगा दैट डज नॉट मीन्स योर मैट्रिक्स इज द आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स ठीक है आई स्क्वायर भी आई होता है Yes, sir. So, I also an example of idempotent matrix.
if AB equal to A and BA equal to B, then both matrices A and B are idempotent matrices. If AB equal to A and BA equal to B, then both matrices idempotent matrix. So, ये प्रूफ करो. सर डिटरमिनेंट्स में मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं ना? डिटरमिनेंट तो नंबर है ना. हाँ तो रियल वैल्यू उसमें ऑर्डर में क्या प्रॉब्लम. हाँ सर हो गया प्रूफ. ऐसे क्या डिटरमिनेंट कहाँ से यूज हुआ? डिटरमिनेट कहाँ यूज हुआ? अच्छा गलत होगा सर. डिटरमिनेट से आप आइडेंटिटी जस्टिफाई कर नहीं पाओगे ना. हाँ सर हो गया. बताओ सर मैंने ए बी इज इक्वल टू ए वाले इक्वेशन में बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी बी ए और फिर ब्रैकेट चेंज कर दिया ए बी के ऊपर ब्रैकेट डाल दिया तो फिर वो ए हो गया तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए. मुझे क्या प्रूफ करना है? ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्रूफ करना है और एस का इक्वल टू ए प्रूफ करना है. ए यू कैन राइट ए बी व्हिच इज ए, बी की जगह आप डाल सकते हो बी ए विदाउट चेंजिंग ऑर्डर. यू कैन चेंज योर ब्रैकेट स्विच योर ब्रैकेट ऐसे कर सकते हो. ए बी में ब्रैकेट देके ए रखा फिर ए बी की जगह आप ए डाल सकते हो ए इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर. तो ए इक्वल टू ए स्क्वायर मिल गया मीन्स ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाइक दैट. बी ऑल्सो बी स्क्वायर यू गेट सो बी अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके ऑर्थोगोनल हो गया आइडेंटिटी
the nilpotent matrix. Nilpotent matrix. वो क्या होता है? A B A square matrix and A raised to m plus 1 is null matrix, but A raised to m is not your null matrix, then matrix A is called nilpotent matrix and M is called index of nilpotent. A be the square matrix, A raised to M plus 1 null matrix hona chahiye, बट इसका प्रीवियस पावर नॉन नल होना चाहिए. ये समझा कि नहीं? सपोज ए पावर 7 आपको नल मिला तो ए पावर 8 क्या होगा? नॉट नल. नहीं, ए पावर 8 नल होगा ना. ए पावर 9 क्या होगा? वो भी नल होगा. ए पावर 100 क्या होगा? वो भी नल होगा. सपोज ए रेस टू 52 यू गॉट नल मैट्रिक्स, दैट डज नॉट मींस, सो देन ए इज कॉल्ड निलपोटेंट मैट्रिक्स. वो तो क्लियर, बट आप इंडेक्स बता नहीं पाओ. सपोज ए रेस टू 52 इज द नल मैट्रिक्स, कोई आपको बता दिया तो आप बता सकते हो कि ए इज द निलपोटेंट मैट्रिक्स, वो बता सकते हो, बट इंडेक्स बता नहीं पाओगे. इंडेक्स बताने के लिए क्या होना चाहिए? सर वो वाला पावर जिसमें नल मैट्रिक्स नहीं है. ए पावर 51 जहां पे फर्स्ट टाइम नल मैट्रिक्स आया, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स. ओके सर. सपोज ए पावर 6 में नल मैट्रिक्स आ रहा है तो इंडेक्स 7 नहीं होगा, बट ए पावर 5 पे आपको नॉन नल मिल रहा है, इसका मतलब फर्स्ट टाइम ये मिल रहा है आपको. A raised to 5 null null, A raised to 6 null, इसके बाद 7 null भी होगा, 8 null होगा, 100 भी null होगा, तो कहीं पे भी null दिखाई देता है, that is nilpotent matrix. But index बता नहीं पाएंगे. Index बताने के लिए मुझे first time जहां पे null मिला, वही होगा index. तो इसका index क्या हो जाएगा? Index होगा 6. Sorry. इंडेक्स होगा नेस, आई थिंक आई हैव डन मिस्टेक. एम प्लस वन नल होगा, मैं उसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ. डन मिस्टेक. ये एम लिखो, ये एम माइनस इंडेक्स होगा 6. जहां पे फर्स्ट टाइम नल आएगा उसका जो इंडेक्स आ रहा है, जो पावर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट. इधर ए पावर 8 भी नल आ रहा है, बट 8 इंडेक्स नहीं होगा क्योंकि ए पावर 7 भी नल भी आपके पास है. 7 भी इंडेक्स नहीं होगा क्योंकि ए रेस टू 6 आपका नल है. इधर 6 इंडेक्स होगा क्योंकि ए रेस टू 5 आपका नॉन नल मैट्रिक्स है. समझाइए. Yes, sir. इसका मतलब जहां पे फर्स्ट टाइम आपको नॉल मिल रहा है, आप मल्टीप्लाई करते जाओ, ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो, ए पावर 4 निकालो, जो केस पर आपको फर्स्ट टाइम नॉल मिल जाएगा, दैट इंडेक्स इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट. डन.
यस सर। इनवॉल्यूटरी इनवॉल्यूटरी क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए स्क्वायर इक्वल टू आई। इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो ए डिटरमिनेंट क्या हो सकता है? क्या होगा? सब प्लस है या माइनस है? आई डिटरमिनेंट आई कैसे होगा? अच्छा डिटरमिनेंट प्लस वन माइनस वन सर, प्लस वन और माइनस वन, बट वाइस वर्सा नॉट ट्रू। आई स्क्वायर भी आई होता है, तो आई जन एग्जांपल ऑफ तो आई ऑर्थोगोनल भी हो रहा है, इनवॉल्यूटरी हो रहा है, और क्या हुआ था, आइडियापोटेंट भी हुआ था। देन पीरियोडिक मैट्रिक्स, ये क्या होता है? If A B square matrix such that A raised to M plus 1 equal to A, periodic क्या होता है? एक certain interval के बाद वो repeat करता है। Yes sir। ये A to the power M plus 1 के बाद मतलब A आ गया, फिर A raised to M plus 2 रखोगे तो A square हो जाएगा, A raised to M plus 3 रखेंगे तो A cube हो जाएगा। तो कितने interval में वो repeat किया? सर एम एम, तो उसका पीरियड क्या होगा? एम एम। तो इफ ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए रेस्ट एम प्लस वन इज द ए, देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड एम। डेफिनेट एम आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, जो भी मैं इंडेक्स लिख रहा हूँ वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। कंजुगेट मैट्रिक्स, ये
कंजुगेट वर्ड का मिला था सर इमेजिनरी नंबर्स कंजुगेट वर्ड कहां पे मिला था कंजुगेट कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मिला था सर का भी कंजुगेट मिलता था तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है तो इफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई देन जेड कंजुगेट क्या होता है सर एक्स माइनस आई वाई एक्स माइनस आई वाई इमेजिनरी पार्ट चेंज होता है रियल पार्ट आरजेटी से कहते हैं तो इफ ए मैट्रिक्स हैविंग इफ मैट्रिक्स एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन यू कैन फाइंड आउट ए कंजुगेट ओके कंजुगेट ऑफ ए रिटर्न एज ए बार ओके लेट ए इज द मैट्रिक्स जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए कुछ भी मैट्रिक्स हो सकता है 2 प्लस 3 आई माइनस 7 आई 8 आई माइनस 9 13 21 आई 3 माइनस 11 आई देन ए कंजुगेट क्या होगा सर 2 माइनस 3 आई 7 आई माइनस 8 आई माइनस 9 सो 13 है क्या तो 13 ही रहेगा फिर माइनस 21 आए 3 प्लस 11 आए ईच एंड एवरी एलिमेंट का कंजुगेट हो जाएगा मतलब इफ ए इक्वल टू ए आई जे देन अप ऑर्डर एम बाई एन ए कंजुगेट होगा ए आई जे का कंजुगेट अप ऑर्डर Done? Yes, sir. And next is the Hermitian matrix. ये क्या होता है? ABA square matrix. Such that A equal to A conjugate का transpose. A equal to A conjugate transpose, then the matrix is called Hermitian matrix. मतलब क्या होगा? A I J equal to A AJI का transpose conjugate A होगा ना Yes sir आप conjugate का transpose करो कि transpose करके conjugate करो nothing difference तो मैंने AIJI का transpose कर दिया AJI उसका conjugate ठीक है तो इसमें AII क्या होगा ए आई आई का कंजुगेट है ना हाँ सर तो जेड इक्वल टू जेड कंजुगेट होता है तो क्या होता है इफ जेड इक्वल टू जेड कंजुगेट इंप्लाइज जेड इज सर नो इमेजिनरी
सर इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू जीरो है तो जेड इज प्योरली रियल। हाँ सर। तो इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो प्योरली रियल होगा। सो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिटियन मटेरियल प्योरली रियल और रियल रियल मतलब प्योरली ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल ए इक्वल टू अपर थ्री फोर माइनस एट आई सेवन आई ये क्या बोल रहे हैं ए आई जे इक्वल टू ए जे आई का कंजुगेट मतलब ये हो जाएगा फोर प्लस एट है लेट अस टेक 15 ये माइनस नाइन आई प्लस फोर ये होगा सेवन का ये माइनस सेवन नो हाँ इसका कंजुगेट माइनस सेवन आए इसका कंजुगेट फोर प्लस नाइन आए लेट अस टेक 23 This is an example of Hermitian matrix. मतलब इसको ट्रांसपोज करके कंजुगेट यूज करोगे इसको ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा थ्री फोर माइनस एट आई सेवन आई इसको फिर कंजुगेट करोगे कंजुगेट करोगे तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा मिला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो पे फिर उसका कंजुगेट करना है सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाएंगे फोर प्लस एट आई फिफ्टीन माइनस नाइन आई प्लस फोर इसका कंजुगेट करेंगे कंजुगेट करेंगे तो ये फोर माइनस एट आई होगा ये फिफ्टीन एज इट इज रहेगा ये इतना होगा चेक करो मिला Yes, sir. और एक होता है स्क्यू हर्मिटियन एनी गेस क्या हो सकता है सर डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे डेफिनेशन क्या होगा सर कॉन्जुगेट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू माइनस इन कौन माइनस ए माइनस इधर रखो कि इधर रखो जो भी ठीक है ना तो इसमें क्या होगा ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई का कंजुगेट मतलब ए आई आई इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई का कंजुगेट मतलब जेड इक्वल टू माइनस जेड कंजुगेट मीन्स जेड प्लस जेड कंजुगेट इक्वल टू जीरो इफ जेड प्लस जेड कंजुगेट इक्वल टू जीरो देन सर जीरो जेड इज इक्वल टू जीरो बस इफ जेड प्लस जेड कंजुगेट इक्वल टू जीरो सपोज सर टू इनटू रियल पार्ट टू इनटू रियल पार्ट क्या होगा जीरो होगा हाँ सर तो रियल जीरो होगा जब हाँ. रियल जीरो होता है जेड को क्या बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी प्योरली इमेजिनरी तो जेड प्लस जेड कंजुगेट जीरो होगा तो जेड इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी इज इट यस सर नहीं ये भी होगा इसके साथ और एक रहेगा जो जीरो और जेड जीरो हो सकता है जेड जीरो होगा तो उसका कंजुगेट भी जीरो होगा जीरो प्लस जीरो फिर जीरो आ जाएगा दैट आल्सो ट्रू बट दिस इज नॉट कमिंग अंडर प्योरली इमेजिनरी
ठीक है, तो आपका जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा, सो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स और इधर जीरो होगा और प्योरली इमेजिनरी होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा और जीरो होगा। एंड इसमें एग्जांपल क्या होना चाहिए, मैं जीरो 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 टू आई माइनस 15i ऐसे कर देता, प्योरली इमेजिनरी क्या नहीं तो जीरो क्या, और इक्विडिस्टेंस एलिमेंट कंजुगेट का कंजुगेट तो होगा इसके साथ उसका माइनस होगा, 4 माइनस 8 a का कंजुगेट 4 प्लस 8 है इसका फिर माइनस होगा, 7i का कंजुगेट माइनस 7i फिर इसका कंजुगेट होगा, सॉरी माइनस होगा, इसका कंजुगेट 4 माइनस 9i का कंजुगेट 4 प्लस 9i इसका फिर माइनस होगा ऐसे। So this is an example of skew Hermitian matrix. Done? Yes. तो लगभग ये डेफिनेशन सब हो गया। Next, polynomial ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का पॉलीनोमियल कैसे निकालते हैं, सपोज यू आर गोइंग टू फाइंड आउट ए प्लस बी होल स्क्वायर इज व्हाट, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं A plus तो A प्लस B मैट्रिक्स करेंगे और फिर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, अब मल्टीप्लाई करो। You know it is distributive over addition। Yes sir। तो ये होगा A into A, A square, then होगा AB, then होगा BA, BA, then होगा B square। बट हमें पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, यस सर, तो ए बी बी आप इक्वेट कर नहीं पाओगे, ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको ये ही मिलेगा। हाँ, इफ ए एंड बी आर कम्यूटेटिव देन आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा जो आप बताए थे, क्योंकि ए बी बी ए इक्वल होगा तो यू कैन राइट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अदर देन दिस कंडीशन आपका ये आंसर है। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, सर ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी ए प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब, दिस वन यू कैन राइट ए प्लस बी होल स्क्वायर इनटू ए प्लस बी, एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता चल चुका है, इट इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, आप इधर ये इंटरचेंज कर सकते हो, ए बी बी ए इंटरचेंज कर सकते हो, बट ए बी की जगह बी ए लिखने मतलब ये, क्योंकि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये पोजीशन इनका इंटरचेंज कर सकते हो, बट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इनटू ए प्लस बी, आगे पीछे करके लिख सकते हो,
you multiply, you get a cube. Then a square b. ये क्या होगा? ए बी इंटू ए क्या होगा? ए बी इंटू ए इट इज ए बी ए, डोंट राइट ए स्क्वायर बी. ऑर्डर आपका चेंज नहीं होगा. ए बी देन ए देन ए बी इंटू बी, ये ए बी स्क्वायर होगा. Then B A into A, B A square. Then B A into B, B A B. Then B square A. Then B cube. ये होगा. हाँ, commutative होगा तो आपका A square B, ये सब ये भी A square B हो जाएगा. If commutative, then A plus B whole cube. आज लाइक योर रियल फॉर्मूला जैसे था ऐसे ही होगा. रियल नंबर में जैसे फॉर्मूला था ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब ऐसे होगा. अदरवाइज आपको ऐसे एक एक करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब मुझे बताइए a प्लस आई का होल स्क्वायर क्या होगा? a प्लस आई का होल स्क्वायर क्या होगा सर? a स्क्वायर प्लस 2a प्लस आई. सॉरी, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस आई. ये a एंड i क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है. तो इसमें आज इट इज फॉर्मूला लगेगा, इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2a इनटू i, मतलब 2a हो जाएगा प्लस i स्क्वायर, i स्क्वायर. तो इन दिस केस यू कैन यूज योर बाइनोमियल एक्सपेंशन आल्सो. सपोज a प्लस i और i प्लस a का टू दी पर एन पूछ रहा है, तो हियर वी कैन यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन. फर्स्ट वन होगा आई रेज टू एन, दैट इज आई प्लस एन सी वन, आई टू दी पर जो भी रखोगे आई मिलेगा इनटू ए प्लस एन सी टू ए स्क्वायर प्लस एन सी थ्री ए क्यूब एंड सो ऑन अप टू एन सी एन माइनस वन ए पर एन माइनस वन प्लस ए रेज टू. एक केस में भी आप बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड वो कम्यूटेटिव होना चाहिए. इफ कम्यूटेटिव देन यू कैन यूज योर बाइनोमियल एक्सपेंशन. ठीक है? यस सर. इसमें मैं थक जाता हूं इतना बोल बोल के, पूरा मुझे ही बोलना पड़ता है. चलो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इनवर्स. बाकी आप होमवर्क के लिए आप बुकलेट का हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे पहले डिटरमिनेंट्स, तो बुकलेट आप स्टार्ट कर सकते हो. फर्स्ट इन चैप्टर वन है, आप कर सकते हो. सर इसका बुकलेट है हमारे पास? दिया नहीं क्या? शायद नहीं दिया. अच्छा, मैं अभी भेज देता हूँ. ठीक है सर. उसका मैं बता देता हूँ कौन सा. आई थिंक इन चैप्टर फर्स्ट चैप्टर, हाँ इन चैप्टर वन
बट आप ट्राई करोगे एक्सपांड मत करना. इन चैप्टर एक्सरसाइज टू, वन तो कुछ नहीं है, इन चैप्टर एक्सरसाइज टू आपका पेज नंबर 5. वो क्वेश्चन सब करो और ट्राई करो कि विदाउट एक्सपांडिंग, मतलब ईच एंड एवरी क्वेश्चन में ट्राई करो प्रॉपर्टीज डालने के लिए. ठीक है, अभी भेज देता हूँ. दैट इज योर होमवर्क. ठीक है, बेस्ट. कैन आई एंड? यस सर, थैंक यू सर. यस सर, थैंक यू सर. थैंक यू.